और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ बातें कही हैं, आइए सुनते हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। दो दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं तुष्टीकरण पत्र जारी किया है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, एक रुपया, पांच रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवादा के इस दौरे के दौरान कई सारे आरोप और कई सारे बयान दिए, अब जिस पर आरजेडी भी चुप नहीं बैठा है, आरजेडी की ओर से भी पलटवार आया है, आइए सुनते हैं। केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन वाला सनातन विरोधी है, और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई, क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं, दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या, उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना। एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे हम, किसानों की MSP लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे।
आपने प्रधानमंत्री का बयान भी सुना और आरजेडी का पलटवार भी। हमारे साथ और भी अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता आयुष जुड़ रहे हैं। आयुष का एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष देखिए, अगर बिहार की धरती नवादा हो और वहां अगर प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे हैं तो आरजेडी ऐसे में चुप कैसे रहेगी? आरजेडी की ओर से भी पलटवार आ गए, कई बयानों पर जो है बयानबाजियां हो रही है, लेकिन इन सबके बीच चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में बिहार में लगातार दो बार प्रधानमंत्री का यह दौरा और एनडीए की भी ये पलटबाजी। जी बिल्कुल, देखिए आम चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है, सबकी नजरें बिहार पर टिकी है और इस वक्त हॉट सीट नवादा बना हुआ है। कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और इंडी गठबंधन को खूब आड़े हाथों लेते हैं। जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा है कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये परिवारवाद वाले लोगों की पार्टी है और साथ ही कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस को अलग से बोला है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की जो वो है वो सामने आती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को लेकर भी बातें कही, लेकिन अब अगर देखा जाए दूसरी तरफ से विपक्ष भी कहीं पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक बात कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह ही एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो कह सकते हैं एक बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले ये ट्वीट के कई मायने हैं। सुष्मिता देखिए, तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवादा बिहार में होने वाली रैली को लेकर बिहार वासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेशवासियों को भाषण में यह अवश्य ही बतलाएंगे। पहला नंबर, मतलब बिंदुवार तरीके से बताया है उन्होंने, पहला नंबर वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। देखिए, रैली के पहले के ट्वीट है उनका। दूसरी बात, पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की। तीसरी बात, पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने से पहले ने ट्वीट कर दिया और साफ कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात होगी। और वैसा ही कुछ हमें रैली के भीतर भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री आते हैं और साफ और सरल शब्दों में ये कहते हैं कि INDIA का मतलब भ्रष्टाचारियों को बचाओ और हम हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ का नारा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बीजेपी वाले का ये मूल मंत्र है कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ। लगातार हमने भी देखा है कि एक्शन लेते नजर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी में तमाम भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हुआ है। लेकिन सवाल जो आरजेडी की ओर से उठाया गया है या विपक्ष की ओर से बार बार उठाया जा रहा है कि कुछ नेता जो बीजेपी में शामिल होते हैं, सवाल ये किया जा रहा है कि क्या बीजेपी में कोई वॉशिंग मशीन लगी है? 25 नेता शामिल होते हैं और उनमें से 23 के ऊपर जो कहा जा सकता है तत्काल राहत मिल जाती है, ऐसा सीएम चंपाई सोरेन ने भी ट्वीट किया था। और एक आर्टिकल का हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने इस बात को ट्वीट किया था, विपक्ष के तमाम नेता फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी को आड़े हाथों लिए हुए, आम चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिली है, जिससे मौका मिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है और इस बार वापस से मोदी की गारंटी पर जनता जो है वो विश्वास जताएगी, लेकिन दूसरी तरफ मैनिफेस्टो जब कांग्रेस का आया तब हमने वहां पर भी देखा कि 5 न्याय और 25 गारंटी वहां पर भी दी गई। तो मोदी की गारंटी इस बार जादू देने वाली है या फिर INDIA की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसमें देखिए गारंटी की खूब बात हो रही है, जनता को लुभाने की खूब बात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए गारंटी वर्सेस गारंटी इस बार घोषणा पत्र में चल रहा है। मैनिफेस्टो अगर इंडिया गठबंधन की देख ली जाए तो 25 गारंटी की बात की जा रही है और उस गारंटी को लेकर विपक्ष जो है वो तमाम बातें कह रही है, जनता के बीच पहुंचकर ये कह रही है कि जितने भी बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है हमारे चुनाव जीतने के बाद उसे बहुत जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जितने भी मैनिफेस्टो में बात लिखी गई है उससे मुस्लिम लीग की विचारधारा सामने नजर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। अब गारंटी वर्सेस गारंटी में अगर जनता की बात की जाए, देखना यह होगा कि इस आम चुनाव में
किसकी गारंटी जनता को ज्यादा पसंद आती है और किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करके उसे गद्दी पर बिठाती है। सुष्मिता, बिल्कुल आयुष, एक चीज और है, अभी हम बयान सुन रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने तो झूठ की फैक्ट्री बता दी है इधर एनडीए को, और साफ तौर पर कहा ये होलसेलर और रिटेलर दोनों है जो झूठ का लगातार एक जो ब्यौरा है वो परोसा जा रहा है ताकि जनता को किसी तरीके से भी लुभाया जा सके आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाते नजर आए। आज भी जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ के होलसेलर हैं, दुकानदार हैं और तमाम बातें ऐसी जिससे बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाए, बीजेपी पर हमला बोला जाए। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मैंने तो आज रैली से पहले ही कह दिया था सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले। अगर आप तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल को देखें खंगाले तो लगातार जो हमले किए गए हैं उसमें एक बिंदु है वो भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव अब बीजेपी पर हमला बोलने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने यह कहा था अपने ट्वीट में कि देखिए अगर तेजस्वी माफ कीजिएगा लालू यादव अगर बीजेपी की बात मान लेते तो भ्रष्टाचारी नहीं होते, भाईचारा वाली बात हो जाती, तब कुछ नहीं बोलते बीजेपी के लोग लालू यादव को लेकर। बयानबाजियां खूब हो रही है दोनों ओर से, बयानों का जो बौछार है वो हमने देखा, पलटवार भी हमने देखा, चुनाव बेहद नजदीक और इन सबके बीच जनता किन पर भरोसा जताती है और मोदी की गारंटी, जो मोदी की गारंटी गारंटी वर्सेस चल रही है, क्या कुछ पूरा परिदृश्य देखने को मिलेगा ये चुनाव में चीजें स्पष्ट हो पाएगी। आयुष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए कि बिहार के राजनीति के परिवेश में अगर देखें तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।